आज सुबह सुबह जब मैं दरवाजा ही खोलता हूँ तो मुझे ये व्यू दिखता है। आज मॉर्निंग की शुरुआत मेरी रंगचूड़ा गांव से हो रही है और ये रंगचूड़ा का खूबसूरत सा गांव। हेलो मेरी फैमिली, आपने कितनी साल पुरानी मकान देखी होगी? 10 साल, 20 साल, 50 साल, यहाँ पूरे के पूरे 86 साल पुरानी मकान है। सन 1936 में इस भवन का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है और हमारी यात्रा भी तो पुरानी है। इस यात्रा के दौरान हमें इस घर से मुलाकात भी हो गई और जब मैं इस कमरों को गिनने बैठा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। इस घर में करीब करीब 22 कमरे हैं जो कि भूल भुलैया से कम नहीं है। भैया मैं जब गिन रहा था तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ एंड करूँ। तो दोस्तों इस कहानी का मेन पर्पस तो यही है कि हमें पुरानी संस्कृति और अपने पुराने रीतिवाज को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे इन लोगों ने किया है। अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने घर को इतने संजो के रखा है अपने पूर्वजों का। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से भी तो सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब इस घर से गुजरता हूँ अंदर तो मुझे एक और नया घर दिख जाता है और जो कि इन्होंने नया बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि पुराने घर के अंदर एक महल खड़ा हो। तो दोस्तों कितना ही सुव्यवस्थित रूप से इन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है। और हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सभी इसके साथ एक फ़ोटो सेल्फी लेते हैं। फिर मिलिए हमारे ताऊ जी से जिन्होंने बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएँ की थी, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। और फिर क्या था, हमें इस यात्रा को आधे रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। और टेंटला वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी खातिरदारी की और इतना अच्छा प्यार दिया। तो दोस्तों ये सीरीज़ मेरे लिए बहुत इमोशनल है और ऐसा लगता है कि टेंटला गांव अपना दूसरा गांव है क्योंकि यहां के सारे लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। और फिर मुझे फाइनली अपने इस यात्रा को अधूरा छोड़ना पड़ता है और इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा हूँ। दोस्तों मैंने प्रण लिया था कि 26 तारीख को कैसे न कैसे होकर मैं यहाँ पर दोबारा वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों अभी आपको इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं और मिलता हूँ आपको सीधे वीडियो में। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, स्वागत है आपकी इतनी सी जर्नी में। और अभी हम हैं रंगचूड़ा में और आज की मॉर्निंग की शुरुआत रंगचूड़ा से हो रही है। तो दोस्तों तो मेरी फैमिली, तो अभी आज है यात्रा का 9वां दिन और ऐसा हमारा 10वां दिन चल रहा है और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों मॉर्निंग में हर जगह एक नया व्यू, एक नया सुबह, एक नया जोश देखने को मिल रहा है और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ज़िंदगी में बहुत कुछ कहते हैं कि यादें कैप्चर कर रहे हैं हम और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं। जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ पर एक ताऊ जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। बहुत सारा इस सीरीज़ में सीखने को मिल रहा है हमें। बाकी मॉर्निंग का अभी धूप आई नहीं है, बाहर अभी मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। तो ये भी मौसम के हाल हैं, बाकी हम अभी थोड़े देर बताते हैं, अभी आपको अपडेट देते हैं। तो हेलो मेरी फैमिली, तो आ चुकी है सुबह सुबह हल्की हल्की सी धूप। हेलो मेरी फैमिली, तो एक चीज है, जहां भी आप रात को रहते हो ना, जहाँ भी आप रात को स्टे कर रहे हो या कोई आपको जब फ्री में रख लेता है या कोई भी कमरा हो, जैसे कोई भी हो, तो अपने कच्चे अपने साथ ले जाओ और डस्टबिन में डाल के जाओ। क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से आपको, जब कोई आपके लिए कुछ एफर्ट करते हैं ना, तो आप लोगों को रूम गंदा नहीं करना चाहिए। अरे गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। तो ताऊ जी के घर में थे, ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी सुबह सुबह चाय आ गई हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे ताऊ जी की बहुत अच्छी व्यवस्था रही हमारी कल नाइट की। ताऊ जी ने बहुत सारी हेल्प की, अच्छा व्यवस्थाएं की, तो ताऊ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे ताऊ जी हैं सामने, तो ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलो तो ये है ताऊ जी का मकान जहाँ हम रुके थे रात को। ये सोलो
तो रात को हम यहाँ पर रुके हुए थे ताऊ जी के मकान पे। तो अभी हम जाएंगे ऊपर जहाँ पर रात्रि हमारे जो देवता लोग नाचे हुए थे, वहाँ पर जो मेन जो खुली है, जो मेन जो घर था, बहुत पुराना घर है। बताते हैं कि 1936 में वो मकान बना था और लगभग 86 साल हो चुके हैं उस मकान को। तो हम उस मकान को भी दिखाते हैं, बहुत पुराना घर है। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, तो सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों का देखो सुबह सुबह यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है और बहुत ही मेहनत वाला काम सब लगे भाई जी। अपवादी हो एंकर से भैया, देख ले रोटी कैसे बनती है। ये हमारे भाई साहब देख रहे रोशन भाई जी का बहुत बहुत ही मेहनत लग रही है। रोशन भाई जी कुछ फील हो रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई जी, हमारी रोटी बना रहे हैं मेहनत मिली खुद है। तो भाई हम इस रंगछोड़ा में, और रंगछोड़ा में सभी हमारे भाई लोग जो यात्रा में, सारे के सारे लोग जा भी रहे, यात्रा भी कर रहे और सबकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो भाई ये लोग ना, अब इन लोगों के लिए कोई वर्ड नहीं हमारे पास भाई। करीब कंटिन्यू 10 दिन तक लगातार, आज हमारा यात्रा का 9वां दिन है और आज यात्रा के 9वें दिन में हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम वो नंदू लाइफ जर्नी करके पूरी की फैमिली को बोलो। हाँ तो गुड मॉर्निंग माय फैमिली, हम इस समय रंगछोड़ा में। तो भाई जी भी हमारे जो जहाँ पर हम रुके हुए रात का स्टे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है और बहुत अच्छा आपने स्वागत किया। तो सभी लोगों का बहुत धन्यवाद आप सभी जो यहाँ पर रंगछोड़ा की जो ग्राम सभा है, महिला मंगल दल है, बाकी सारे लोग हमारे रेडी हो रहे हैं अपने अगली यात्रा के लिए। अपने यहाँ सब यात्रा को हम प्रस्थान करेंगे धीरे धीरे। हम एक्सपीरियंस बन रहा है भाई। तो भाई सभी लोगों को धुआं लग रहा है समय भाई। स्वागत है दोस्तों आपका रंगछोड़ा में, और रंगछोड़ा में हमारे सारे भाई लोग तंदूरी रोटी नान की उतनी। तो हमारे सारे देवता लोग रेडी हो चुके हैं समय अपने आगे यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए। बाकी आप देख सकते हो 86 साल पुराना मकान कितना ही सुंदर लग रहा, कितना डेकोरेट कर रखा भाई। मैं तो देख रहा बहुत अचंभित हो गया कल। बाकी मैं आपको ना अंदर बता दूं कि अंदर क्या है इसमें। अंदर कितने सारे रूम हैं, ये बहुत जताना जरूरी है। तो मुख्य गेट और इसके कमरे देखो तुम, ये सामने एक कमरा, यहाँ एक कमरा, दो तीसरा, यहाँ पर एक चौथा कमरा, और आपको बताता हूँ चार कमरे हो गए, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6। ये बाहर देखो पूरा एक गैलरी टाइप की है, 6 उधर, सामने 7, 7, 7, 7। इसे मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, 7, 7, 7, 7। भाई देख रहे हो पूरा घर एकदम बहुत ही, मतलब ये कहते हैं ना भूल भुलैया वाला है, और इतने सारे कमरे हैं ना इसमें। तो हमारे सारे देवता लोग, और धीरे धीरे अभी सारे के सारे अभी लाइनअप होगी थोड़ी, क्योंकि सारे देवता लोग अभी कोई टीका चंदन लगा रहा है, कभी कुछ अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई एक कमरा ये रहा नीचे, फर्स्ट फ्लोर के कमरे हैं ये सेकंड है, इसके अंदर भी है, ये मेन मुख्य द्वार है यहाँ का, और एक ये देखो यहाँ भी है। अब यहाँ अंदर कितने कमरे, 1, 2, पहला कमरा,
दूसरा कमरा देख रहे हो तुम, और यहाँ से बाहर ये पूरा ही गोरांदा टाइप का है। फिर मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया, और इधर से जाते हुए आपको ना पता क्या दिखेगा, देखो ये कमरा है, एक कमरा यहाँ भी है और बहुत पुराने मकान है, और एक कमरा देखो यहाँ सामने, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो ये पूरा आपका नया वाली मकान है, बट ये पूरा एकदम अटैच पुराना घर और नया घर ना अटैचमेंट कर रखा, तो पता ही नहीं लग रहा उस चक्कर में कि अंदर से पूरा नया दिख रहा, तो बहुत ही सुंदर वाला सुबह का व्यू, और सामने बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये अपना पुराना घर है, करीब 86 साल पुराना घर, इसको बताते हैं 1935 या 1936 में इसकी निर्माण हुआ था, तो 86 या 87 साल हो चुके हैं इस मकान को, पुराने मकान को, तो अभी पूरा डेकोरेट करके रखा हुआ है, पूरा अच्छे से रखा हुआ है, और सामने का व्यू। तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है आपका इस पुराने से घर में जो 86 साल पुराना बताते हैं। बाकी बार हमारे सारे देवता लोग के लिए अगले प्रस्थान के लिए रेडी हो मॉर्निंग। समय नाश्ता किया जा रहा है सुबह का, टाइम का भी पता नहीं कितना टाइम है, सारे जल्दीबाजी में सारे के सारे दोस्त लोग इधर, क्योंकि अभी यात्रा को आगे भी प्रस्थान करना है, पहले नाश्ता करते हैं फिर आपको थोड़ी देर मिलते हैं। बहुत जल्दी में सारा फटाफट काम हो रखा है, उधर स्टार्ट हो चुका है।
परेशान करने वाले। आप देख सकते कि आपके पास जभी भी कब भी हमारी पुकार कर लेना, जाओ हम आपके साथ जाओ। फैमिली तो थोड़ा सा इमोशनल हूँ और थोड़ा सा क्या कहता है क्योंकि सबको विदा करके आ चुका हूँ, सब लोगों से विदाई लेके आ चुका हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे अपने अर्जेंट काम से कहीं जाना है और थोड़ी काम का भी ध्यान देना पड़ता है कभी कभी। बट लगभग क्या पता 26 तारीख को क्या पता आने का मौका मिले या कुछ मिले, बट सभी लोगों से विदा ले लिया मैंने। बाकी सबसे अच्छा प्यार मिला, सबसे अच्छी बातें हुई, सब अच्छे दोस्त बने, बहुत कुछ हैं इस जर्नी में। बाकी अभी वीडियो आती रहेंगी जो पिछली वाली वीडियोज़ हैं। बाकी अभी मैं
नीचे जा रहा हूँ गाड़ी में। हमारे ताऊ जी थे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं की थी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का, बहुत सारा प्यार मिला। बाकी अभी रात का स्टे हमारे साइड का साइड रहे हम रात को, बाकी थोड़ा इमोशनल सा हैं। और भाई साहब तो ही वाला छोड़ लो मुझे हो यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ तो हेलो मेरी फैमिली, तो फाइनली अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ और अपना एक छोटा सा गिफ्ट भी मिला हुआ है, बहुत यादगार पल है हमारा, एक यादगार चीज़ स्मृति बेहतर दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ एक नई जर्नी एक नई कहानी में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत इमोशनल जर्नी रही, उसको पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई सुबह एक नई जर्नी के साथ।